आज स्वार्थ इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उसी कारण ये संकीर्णता इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है कि संकीर्णता ने पूरे समाज को, पूरे परिवार को, पूरी राजनीति को पूरी तरह प्रभावित कर रखा है। आप परिवार को ले लीजिए, पहले परिवार संयुक्त परिवार होते थे, बाबा दादी चाचा चाची भाई बहन सभी लोग होते थे। अब परिवार आपका सीमित हो गया है, केवल मैं, मेरी पत्नी और मेरे बच्चे, सबको हम भूलते जा रहे हैं। और इसी वजह से स्वास्थ्यता इतनी बढ़ती जा रही है, संकीर्णता इतनी बढ़ती जा रही है कि कोई लिमिट नहीं है। और आप इसी वजह से देखें कितने अपराध हो रहे हैं। परिवार में पिता पुत्र का हत्या कर रहा है, पुत्र पिता की हत्या कर रहा है, भाई भाई की हत्या कर रहा है, तो इसका दुष्परिणाम केवल इसी संकीर्णता के कारण ही है, स्वार्थवश के कारण ही। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा भी है, स्वार्थ पाए करें सब प्रीति सुरंदर उनकी यही रीति। ये बिल्कुल सही बात है, और इसी स्वार्थता के कारण ही संकीर्णता हमारी बढ़ गई। आप समाज में देख लीजिए, मोहल्ले में भी पहले कितने से संबंध हुआ करते थे, गाँव में देख लीजिए कितने से संबंध होते थे, कितने लोगों में आपस के पारस्परिक व्यवहार होते थे। अब तो सुनकर के बड़ा ये कष्ट होता है कि भरत पड़ोसी को भी हम नहीं अच्छी तरह जानते। कभी कभी तो ऐसा मालूम होता है कि वृद्ध पड़ोसी की मृत्यु हो गई और जब उसके घर से बदबू आने लगी तब पता चला। तो इस तरह की स्थितियां ये संकीर्णता के कारण ही होती जा रही है।